हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर पाएं हर खबर अपने मोबाइल पर। रादौर से भाजपा की जींद में आयोजित युवा हंकार रैली के लिए युवा कार्यकर्ता सैकड़ों मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ रवाना हुए। मोटरसाइकिलों के जत्थे को स्थानीय विधायक श्याम सिंह राणा ने पार्टी का झंडा दिखा के रवाना किया। इस मोटरसाइकिल रैली में ट्रैफिक नियमों को भी ताक पर रख कई मोटरसाइकिल सवार बिना हेलमेट के ही शामिल थे, जबकि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अपील की गई थी कि जींद रैली में सभी कार्यकर्ता अनुशासन के साथ पहुंचे। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में विधायक श्याम सिंह राणा ने कहा कि यह रैली रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी, जिसमें प्रदेश के सभी 90 विधानसभा से युवा साथी भाग लेंगे। जींद के अंदर आज बड़ी धमाकेदार रैली होगी और सभी विधानसभाओं से हमारे यहाँ से भी 1500 के करीब 1478 मोटरसाइकिलें गई हैं। एक एक मोटरसाइकिल पे दो दो साथी गए, झंडा लेके गए, बिल्ला और सारा रिकॉर्ड खाना उनको साथ में है। तो ये रैली हमारी युवाओं का रैली है और प्रदेश के अंदर सभी युवा 90 विधानसभाओं से इकट्ठे होंगे और बड़ी रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। वहीं विपक्ष द्वारा मोटरसाइकिल रैली पर प्रदूषण फैलने के बारे में राणा ने कहा, ये रैलियां तो हर रोज चलती है, कोई मोटरसाइकिल हर रोज चलती है, ये तो चलती है सड़क पे, इतना गाड़ियां ट्रक पॉल्यूशन तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन ये हमारी रैली से कुछ ज्यादा प्रदूषण तो नहीं है, हर रोज चलने वाली मोटरसाइकिल है। जींद की सियासी धारा से भाजपा इस रैली के जरिए मिशन 2019 का शंखनाद करेगी, लिहाजा भाजपा सहित प्रदेश की सभी विपक्षी पार्टियों की इस रैली पर नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज़।